लौरिया बेतिया मुख्य पथ NH 727 पर सुबह पराउडोला गांव के कोटेश्वर शिव मंदिर के पास मुर्गा लदे पिकअप के चपेट में आने से एक 15 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल विक्की कुमार यादव पिता नंदलाल यादव साकिन ब्रिज बनिया थाना सिरसिया ओपी सड़क को पार कर रहा था कि तभी तेज रफ्तार आ रही पिकअप गाड़ी के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की मदद से घायल विक्की को रेफरल अस्पताल लौरिया भेजा गया, जहां पर डॉक्टर अफरोज ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH अस्पताल बेतिया भेजा गया। वहीं पिकअप चालक मौके पर पिकअप छोड़कर फरार हो गया। लौरिया पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घटना कारित करने वाले पिकअप वैन को थाने लाई है। इस बाबत थाना अध्यक्ष राजीव कुमार रजक ने बताया कि इस संबंध में घायल के परिजनों द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन मिलते ही अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। वही इलाजरत युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कौन गाड़ी से पिकअप आना है वहाँ पे? हाँ, तो क्या हुआ भाई, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो? पढ़ने गया था, पढ़ गया रहा था, यहाँ पे ठोकर लगा था। अभी भाई का तबीयत कैसा? डेथ हो गया है। रिपोर्ट BSRS न्यूज लौरिया।